यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। बात करेंगे नासिर भाई से, यही बहुत अहम मुद्दे के ऊपर। नासिर भाई, ये जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा बाइकल्ला के अंदर स्टेज पे लगा करके, 2012 में मैंने कंप्लेंट किया था, आगाह किया था, और देखिए पैसा लेकर भाग गई, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तमाम हीरा फैमिली को मैं ये बताना चाहूँगा खास तौर पे कि देखिए 2012 में जब असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उसने जो है इंक्वायरी बिठाई थी नवाज शरीफ साहिबा पर, तो सबसे बड़ी बात यह है कि 2012 में जब इंक्वायरी बिठाई तो उसने अधूरी बात कही। वो टाइम पे नवाज शरीफ साहिबा को क्लीन चिट मिली थी, उसने ये बात नहीं बताई। दूसरी बात, 2012 से 6 साल तक कंपनी बराबर चलती रही और बराबर नवाज शरीफ साहिबा ने वक्त पर सबको पैसा दिया। अगर ये कंपनी चीटिंग कर रही होती या पोंजी होती तो क्या ये कंपनी 6 साल के बाद भी चलती? इसका मतलब क्या हो गया कि साजिश के तहत उन्होंने जो है वो साजिश चल रही थी, 6 साल तक वो नहीं कर पाए और उसके बाद में जो है GST आ गई, उसके तहत आपा को जो है वो साजिश में वो लोग फंसाने के लिए कामयाब हो गए, जिसकी वजह से आज वो रिजल्ट हमारे सामने है। उनको जेल में रख दिया, अरेस्ट करा दिया और उसके बाद जो है अकाउंट फ्रीज करा दिए और उनको एक मौका मिल गया जिसके मौके पर वो जिसका इंतजार कर रहे थे। अच्छा, ओवैसी साहब ने ना पूरी बात बताई नहीं 2012 के अंदर, जैसे कि ED, CCS बहुत सारी डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी की थी और क्लीन चिट दी, ये बात उन्होंने बताई नहीं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ओवैसी साहब अगर ये बात बता देते तो उनको पता चल जाती उनकी असलियत क्या है, उनके सारे पोल, उनके सारे मुद्दे जो है सब खत्म हो जाते, पता चल जाता। वो तो उन्होंने उनके मुंह से निकल गया तो समझ लिए ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने तो अपना मौन व्रत धारण कर रखा था, उन्होंने जो है अपना मुंह ना खोलने की कसम खाई थी और जब अल्लाह ने उनका मुंह खुलवा दिया तो लोगों को जो है उनके पीछे की जो साजिश है वो उस लोगों के सामने, अवाम के सामने जाहिर हो गई। और इंशाल्लाह बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी होगा और आप बहुत जबरदस्त तरीके से इंशाल्लाह कमबैक करेंगे इंशाल्लाह। ये बात एकदम दुरुस्त है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को हमने भी कॉन्टेक्ट किए थे तो उन्होंने साफ साफ हमको मना कर दिया था कि इस मुद्दे के ऊपर हम कुछ बात नहीं करेंगे, तो एकदम सही बात बोले आपने। बात करने के लिए हमारे साथ में अजीम भाई मौजूद है। अजीम भाई, यही मुद्दे को लेके बात करेंगे, असदुद्दीन ओवैसी ने जो स्टेज के ऊपर मजमे में, इतने लाखों मजमे में कहा, तो क्या इससे वारिस पठान की सीट खतरे में आ गई है? जी जी बिल्कुल। देखिए, जिस दिन 5 तारीख को जब ये यहाँ थे झूला मैदान में इकबाल कमाली पे, उससे एक दिन पहले मेरे यहाँ पाइप रोड कुरला में लतीफ़ सर चौक पे भी इनकी रैली थी। मुश्किल से 400 से 500 लोग होंगे पूरी रैली में, जिसमें से 150-200 लोग तो बेचारे जो रोड के किनारे धंधा लगाते हैं वही लोग थे बेचारे, वो कहाँ जाएंगे अपनी गाड़ी वाड़ी छोड़ के। तो ना रैलियों में इनके पब्लिक आ रही है और ना इनके भाषण का कोई असर हो रहा है। और आपने देखा होगा बॉडी लैंग्वेज से कि जिस तरह हमेशा चार्ज रहते थे तो परसों तो इनकी चार्जिंग बिल्कुल उतरी हुई थी, कि मजमा ही देख के इनकी समझ में आ गया था कि कितने लाख वोट से हमारा कैंडिडेट जीतेगा, ठीक है ना, वो उनकी समझ में आ गया था। तो अब ये दाल तो गलने वाली नहीं है और एक ही बार आदमी बेवकूफ़ बनेगा, बार बार तो बनेगा नहीं, तो उनको समझ में आ गया था। सिर्फ वारिस पठान की नहीं, नुमान भाई मैं बोलता हूँ महाराष्ट्र में जो 2 सीट आई थी इंशाल्लाह एक भी सीट नहीं आएगी हमारी। अच्छा, क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं ये BJP के साथीदार है, क्योंकि RA मिल कॉलोनी में इतना बड़ा प्रोटेस्ट चालू है, ठीक है, झाड़ को लेकर, झाड़ कटिंग कर रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ ये साहब नहीं गए और ये मतलब अपने यहीं घूम रहे हैं मतलब एरिया में? देखिए, BJP के साथीदार की जो बात है ना, वो तो इनके दादा अब्दुल वहीद ओवैसी साहब उनके ज़माने से मशहूर है कि RSS और संघ के लिए काम करते हैं और उनकी भी टीम है। अच्छा। और ये कई बार प्रूफ हो चुका है, वहाँ के जो हैदराबाद के पुराने लोग हैं उसमें से अमजदुल्ला खान, जिनके वालिद अमानुल्ला खान साहब 25 साल तक मजलिस में MLA थे, उनके भी लड़कों ने, और एक सैयद सलीम साहब हैं बहुत पुराने साथी हैं सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी के, करीब 40 साल उनके साथ काम किया है। वो लोग तो हर स्टेज पे और हर महफिल में बोलते हैं कि ये लोग BJP के साथ ही काम करते हैं। एक आपने शायद पिछले साल का वीडियो भी देखा होगा, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और विशाल ददलानी तीनों बैठे हुए हैं और अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में बात हो रही है कि अमित शाह के घर पे 3 बजे रात में अकबरुद्दीन ओवैसी ने मीटिंग की और 300 करोड़ रुपये में डन हुआ कि भाई जहाँ जहाँ पर भी सेक्युलर वोट है ज़्यादा मजबूत वहाँ पर AIM वाले अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे और उसके बदले में 300 करोड़ रुपए की डील हुई। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड है, आज तक उनके ऊपर डिफॉर्मेशन का केस भी नहीं डाला और जब मीडिया पूछती है तो हंस के डाल देते हैं। अभी अकबरुद्दीन ओवैसी की हेट स्पीच के बारे में जब इनसे पूछते डायरेक्टर साहब से तो बोले केस तो अभी कोर्ट में है भाई, इसके बारे में बात नहीं करने का। तो नोएरा शेख का केस कहाँ, लॉन्ड्री में है क्या, वो भी तो कोर्ट में है ना भाई, तो उसके बारे में क्यों बात करते हो फिर आप लोग? जी जी जी,
एकदम दुरुस्त बात की, और बात करने के लिए हमारे साथ में हाशिम भाई मौजूद है, ये भी काफ़ी जानकार है क्योंकि इलेक्शन भी लड़ चुके हैं एक बार, तो इनसे जानेंगे। हाँ, ओवैसी साहब ने ये जो बात कही है भाईकल्ला के अंदर, भाईकल्ला कॉन्स्टिट्यूशन का, कि ऐसा ही मतलब एक वाइल्ड कार्ड फेंक दिए इन्होंने कि है ना सारे वोट्स आ जावे अल्लाह अकबर बोल के, और एक लेडी को बदनाम कर दिया, जबकि कोर्ट के अंदर मैटर पेंडिंग है, तो ऐसा आप बोल नहीं सकते कि ये गुनहगार है, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं ये बताना चाहता हूँ कि असउद्दीन ओवैसी और अकबर ओवैसी, ये तो सब पूरी पब्लिक जानती है कि ये भड़काऊ भाषण देने में बहुत एक्सपर्ट है, और मुसलमानों के जज्बात से खेलने में बहुत, यानी इन्होंने बहुत वेल ट्रेनिंग की है इन्होंने। और जहाँ तक मुसलमान का अगर जज्बा रहेगा तो उनको ये मालूम है कि भाई मुसलमानों को किस तरह भड़काना चाहिए, तो नारे लगाते, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, तो उधर जो मुसलमान बोले अरे वाह 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 हमारा लीडर आया है, हमारा लीडर आया भाई, शेर आया, शेर आया, हमारा लीडर आया। अरे जो तकरीर ऐसा बीजेपी हिंदू लोग को उकसाती है, बीजेपी हिंदू लोग को उकसाती है, वैसा ये हमारे को ये उकसा रहा है मुसलमानों को, सिर्फ जज्बात से खेलता है ये। और अगर आज उसको ये मालूम है जो हीरा गोल्ड का उसने बात निकाला था, और इतने हीरा गोल्ड से सब परेशान है, ये सब चीज़ मालूम है, आज ये बता दो असउद्दीन ओवैसी, अकबर ओवैसी और कोई भी जितने भी महाराष्ट्र में मुसलमान लीडर है, कौन हमारे साथ है आज? कोई भी नहीं है आज मुसलमानों का लीडर, कोई नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ असउद्दीन ओवैसी जो लीडर बनने जा रहा है मुसलमानों का, ये मुसलमानों का लीडर नहीं है, मुसलमानों को ख़त्म करने देख रहा है, ये मुसलमानों को ख़त्म करने देख रहा है और अपना उल्लू सीधा कर रहा है ये, और कुछ नहीं कर रहा है। जो वारिस पठान आ गए थे, हमने वारिस पठान को गए इलेक्शन में हमने सपोर्ट किए थे वारिस पठान को, चलो भाई हमारा मुसलमान भाई आया, आज तक वो हमारे एरिया में नहीं आया पूछने के लिए वारिस पठान, क्या भाई तुम्हारे एरिया में क्या चीज़ की ज़रूरत है, हाँ क्या चीज़ तुम्हारे को चाहिए? और जब इलेक्शन के टाइम पे आप जो चक्कर लगाते हो, डोर डोर जाते हो, तो वैसा आना चाहिए ना हमारे इधर भी एरिया में, भाईकला एरिया में, हमारे इधर कहीं भी राउंड नहीं मारा, उसको मालूम है भाई मदनपुरा है। वारिस पठान ने हमारे चैनल पे इंटरव्यू दिए, उन्होंने कहा 170 बिल्डिंग को फंड दिया, क्या मानते हो इस चीज़ को? भाई वो 170 बिल्डिंग, अभी जैसा कब्रिस्तान का मसला रह गया, वह रईस शेख वो बोल रहे कि मैंने लाइट लगाया, ये वारिस पठान बोल रहे मैंने लाइट लगा रहा, उनका होर्डिंग लग रहा है, तो वैसा ये जो 170 जो है वो जो केसेस है अपना बिल्डिंग का, जो रिपेयरिंग का जो इन्होंने दिए फंड दिए, मैं तो नहीं समझता कि इन्होंने दिए होंगे ये सब पैसा, जो भी है मैं तो साबित नहीं कर सकता हूँ कि वो अपने जेब में डाले कि क्या हुआ ये पैसा, ये आते इलेक्शन के लिए। रईस शेख को बिठाने में क्या क्या मकसद है लोग का? रईस शेख को बिठा दिए लोग ने, मजबूत कैंडिडेट, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, अभी रईस शेख को बिठाने का इसके पीछे मकसद तो मेरे को नहीं मालूम, अलायंस है ना दोनों पार्टी, हाँ ये दोनों, हाँ बराबर है ये, अभी वहाँ से जो फैयाज भाई जो कहीं ना कहीं डर था कि रईस शेख खा जाते, रईस शेख खा जाता, इसीलिए रईस शेख को बिठाया गया, इसीलिए रईस शेख को बिठाया गया। ठीक है, शुक्रिया बात करने, बन गए। हाँ एक मिनट, आ जाओ आ जाओ, हाँ बोलिए भाईजान, एक इन्वेस्टर हमारे साथ में मौजूद है। मैं बांद्रा से आया हूँ, सलीम ग्रिल वाला, और मैं ये हम सारे हीरा ग्रुप फैमिली को मैं आप लोगों के थ्रू या आप भी इसके अंदर कुछ हिस्सा ले कि हम सबको एक दिन एक टाइम देके खाली एक खामोशी की कहीं रैली या मतलब ऐसा कुछ, ताकि ओवैसी को भी समझ में आवे और लोगों को भी समझ में आवे कि ये लोग एक है, और कोर्ट को भी अपन जरूरत पड़ी तो दिखा सकते पुलिस या किधर भी कि वो पब्लिक दिखाएगी उनको वोट नहीं दे करके। वो आप क्या बात रखना चाहते वो बता। मैं यही बात रखना चाह रहा हूँ कि वोट नहीं दो मीम को, वोट का तो मैं तो सवाल ही नहीं उठता है देने का। मेरा तो वोट उसको तो नहीं जाएगा इंशाल्लाह ताला। और मैं ये चाहता हूँ कि हम सारे हीरा ग्रुप फैमिली, जिसे हम फैमिली कह रहे, जैसा कि हमारी फैमिली में कोई शादी रहती तो हम सब एक इकट्ठा होते, मैयत होती तो एक इकट्ठा होते, आज हीरा गोल्ड फैमिली भी मैं ये चाहता हूँ कि एक इकट्ठा होवे। कोई एक दिन आप लोग ऐसा दिन निकालो, शायद इसकी परमिशन की ज़रूरत है या नहीं है ये आप लोग को पता है, ऐसा कोई एक दिन निकालो, हम सबको एकता दिखाओ। ये मैं ठीक है इंशाल्लाह। अभी तो औरंगाबाद में स्पीच के अंदर बोलते हैं कि मजलिस को तुम्हारी जरूरत नहीं है, उनको इतना गुरूर हो गया है। अच्छा ठीक है, स्टॉप दबा।